नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी दोस्तों एचएफसीएल लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने के लिए आई हैव अ टू इंपोर्टेंट रीजन दोस्तों। पहला रीजन है दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफी अच्छी खबरें आ रही है। दूसरा बड़ा रीजन रीजन दोस्तों स्टॉक के रिगार्डिंग भी काफी अच्छी खबर है। और सबसे इंपोर्टेंट चीज दोस्तों स्टॉक के रिगार्डिंग अच्छी न्यूज तो है, साथों साथ दोस्तों चार्ट के ऊपर हमें सपोर्ट लेवल के आसपास मिल रहा है, तो ये बेहतरीन दोस्तों आपके लिए बोनांजा ऑफर हो सकता है दोस्तों दिसंबर के अंदर। दोस्तों अब हम बात करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड के ऊपर। अगर आज के कारोबार में बात करें तो 79.85 का प्राइस है, 1.72% है दोस्तों। और प्राइस के ऊपर डिटेल में चर्चा करें उससे पहले टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ बेहतरीन खबर दोस्तों। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री टू ग्रो बाय 12.5 बिलियन एवरी 3 ईयर ऑन अ 5G रिलेटेड इनोवेशन दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा दोस्तों न्यूज है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की काया पलट कर सकता है ये न्यूज दोस्तों। और आपको इसके ऊपर बिल्कुल सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। एचएफसीएल के रिगार्डिंग भी न्यूज है दोस्तों कि HFCL दोस्तों टू गेट इनटू कंज्यूमर सेगमेंट विथ वाईफाई एक्सेस पॉइंट फ्रॉम FY24 दोस्तों। और यहां पे HFCL मेकिंग इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर 5G रेडी दोस्तों विद द लॉन्च ऑफ ओपन सोर्स वाईफाई एक्सेस पॉइंट। HFCL बिकम द फर्स्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया टू डिजाइन एंड लॉन्च दिस वाईफाई टेक्नोलॉजी टू कॉम्प्लीमेंट द इंडोर 5G रेंज दोस्तों। आप सबको पता होगा कि दोस्तों गवर्नमेंट इंडिया के इंडियन मेकिंग इंडिया के ऊपर इतना फोकस कर रहा है टेलीकॉम सेक्टर के लिए लेके, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि 5G हमारे लिए काफी टर्न अराउंड और गेम चेंजर साबित हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PLI स्कीम की भी बात कर ली दोस्तों, तो ये पूरा टर्न अराउंड होने की मोमेंटम में चल रहा है दोस्तों। इवन HFCL के लिए और एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन खबर है दोस्तों। HFCL जो है दोस्तों डिमांड्स फॉर अ डाटा सेंटर केबल बलूनिंग HFCL के दोस्तों नहाता है। उन्होंने बताया है कि अदर प्रोडक्ट्स विच वी हैव वर्कड ऑन अ वाईफाई सिस्टम एक्सेस पॉइंट एंड बैक होल्स रेडियो वी हैव बीन वर्किंग टुवर्ड दिस एंड ऑलरेडी सोल्ड अराउंड 5 लाख वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स एंड बैक होल रेडियोस इन द लास्ट 1.5 ईयर। वी विल ऑल्सो स्टार्ट टू एक्सपोर्ट दिस सून। तो ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों इस कंपनी के लिए भी दोस्तों। अगर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो पिछले 5 दिन के अंदर दोस्तों 8.84% का डाउन साइड आया है। एक मंथ के अंदर बात करें तो फ्लैट है, 0.75% है। 6 मंथ के अंदर दोस्तों 36% का रिटर्न दिया है। और 1 साल के अंदर दोस्तों अगर बात करें तो फ्लैट रहा है दोस्तों स्टॉक का रिटर्न। बट अगर 5 साल के ऊपर बात करें तो 161% का रिटर्न दिया है दोस्तों ये स्टॉक ने। लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों बात करें तो 118% का रिटर्न है। जो टेक बबल था तब दोस्तों 2000 के आसपास का प्राइस था, फिर नीचे आ गया दोस्तों। बट अभी पिछले 5 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने दोस्तों। अब कंपनी की काया पलट हो रही है। अगर आप फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, तो हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड इज अ डाइवर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एनिमल विद इंटरेस्ट स्पानिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। मार्केट कैप है इस कंपनी का दोस्तों 11,001 करोड़ का। स्टॉक का PE 39.2 एंड ROCE 19.2% का। ROE 13.5% फेस वैल्यू है 1 का दोस्तों। डिविडेंड भी देती है कंपनी, 0.22% डिविडेंड यील्ड है। 52 वीक हाई 101 है और 52 वीक लो 51.6 है। बुक वैल्यू से काफी ज्यादा ऊपर है, 21.1 का बुक वैल्यू है दोस्तों। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.26 है। डेब्ट जो है टोटल 75.9 करोड़ है दोस्तों। EPS जो है दोस्तों तो वो 2.01 है दोस्तों। तो ओवरऑल आप देखा जाए तो दोस्तों काफी अच्छे फंडामेंटल के साथ स्टॉक चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों 1173 करोड़ का सेल्स हुआ था। एक्सपेंस जो था 1007 का एक्सपेंस था दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 166 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% दोस्तों, काफी इंक्रीज हुआ। अदर इनकम 9 करोड़ की है और अभी अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 39 करोड़ का है। डेप्रिसिएशन 21 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 114 करोड़ है। टैक्स परसेंटेज 26% है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 84 करोड़ है। 0.59 का EPS है दोस्तों, जो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से काफी अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। बट ईयर टू ईयर में दोस्तों थोड़ी सी दोस्तों रिजल्ट में कमी आई है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है दोस्तों।
प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों मार्च 2022 में जो सेल्स था 4727 था, और इस साल में दोस्तों 4623, यानी कि सेल्स में कटौती हुई है दोस्तों और नेट प्रॉफिट में भी काफी कटौती हुई है दोस्तों। बट ये जो न्यूज आ रहा है, जो डेवलपमेंट्स हो रहा है, गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है मेक इन इंडिया के ऊपर, तो ये स्टॉक में दोस्तों डेफिनेटली रिवाइव हो सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में और नेक्स्ट ईयर के अंदर, नंबर के अंदर, क्योंकि दोस्तों एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पे मार्जिन भी ज्यादा रहता है दोस्तों। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 39.20 का, एफआईआई के पास होल्डिंग है दोस्तों 6.72% का, डीआईए बहुत ही बुलिश है दोस्तों, सितंबर 2021 से कंटिन्यूस बाई कर रहे हैं, सितंबर 2021 में 0.63% का होल्डिंग था, दिसंबर 2021 में 1.44% का होल्डिंग, मार्च 2022 में 1.87% का होल्डिंग था, और जून जून 2022 के अंदर दोस्तों 2.03% का होल्डिंग था, सितंबर 2022 में दोस्तों 2.58% का होल्डिंग आया, यानी कि दोस्तों एवरी ईयर ये जो है होल्डिंग बढ़ा रहे हैं दोस्तों। पब्लिक के पास होल्डिंग है 51.36% का और अदर के पास होल्डिंग है 0.38। तो डीए बुली से एफआईआई थोड़ा सा हल्का हो रहा है, अप अप एंड डाउन होते, कभी कभार बहुत अप कर देते, कभी कभार थोड़ा थोड़ा डाउन भी कर लेते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, प्रमोटर अपना होल्डिंग थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं तो वो कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि कभी कभार बढ़ाते भी है दोस्तों। अब हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर दोस्तों, ये हमारे पास एचएफसीएल का डेली चार्ट है दोस्तों। डेली चार्ट के ऊपर आपको वॉल्यूम बार दिख रहा है दोस्तों, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको आरएसआई दिख रहा है दोस्तों। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ओवर 70 दोस्तों ओवरबोर्ड जोन है, और दोस्तों अंडर 30 जो है ओवरसोल्ड जोन के ऊपर है दोस्तों। अब एक चीज को नोट करिए दोस्तों, पहले कि दोस्तों जब प्राइस बढ़ रही थी दोस्तों, ऊपर जा रही थी, तब दोस्तों वॉल्यूम में इजाफा दिख रहा था हमें, बट जब से पिछले 4 दिनों में कंटिन्यूस यानी कि 85 की लेवल से कंटिन्यूस गिरावट आ रही है इस स्टॉक के अंदर दोस्तों। बट अब वॉल्यूम देखेंगे तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है जब बढ़ रहा था उसके सामने दोस्तों। दूसरा कि यहाँ पे आप देखेंगे 4 दिन का कंटिन्यूस रेजिस्टेंस, 29 नवंबर का सपोर्ट है, 13 नवंबर का सपोर्ट है, 1 दिसंबर का सपोर्ट है और 2 दिसंबर का सपोर्ट है, और यहाँ पे भी आप देखिए दोस्तों 24 नवंबर का सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट जो लाइन है दोस्तों वो हमारी है 78.70 का, अभी का प्राइस 79.45 चल रहा है दोस्तों। तो एक चीज समझने की कोशिश की, बहुत ही मल्टीपल सपोर्ट लेवल है, इवन पहले भी दोस्तों इस लेवल से ऊपर गया ही है स्टॉक दोस्तों, तो चांसेस बन सकता है दोस्तों। पहले भी ऐसे गिरा था, फिर बहुत अच्छा मोमेंटम आया था, तो यहाँ पे पूरा चांसेस है मोमेंटम अपसाइड बनने के। दूसरा बड़ा रीजन बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए लो था दोस्तों 26 सितंबर का, वहां से ये लो बना दोस्तों 20 अक्टूबर का, उससे काफी ऊपर, उसके बाद ये लो बना दोस्तों वो वहां से काफी ऊपर था, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा ऊपर था, और यहाँ पे भी दोस्तों पॉसिबल है कि ये लेवल, ये लो को टच भी ना करें और उसको ऊपर तोड़, टच किए बिना ही दोस्तों ऊपर चला जाए दोस्तों, ऐसी संभावनाएं बन सकती है दोस्तों। क्योंकि आरएसआई भी आप देखेंगे तो 43 के आसपास है और वॉल्यूम नहीं है गिरावट के टाइम पे, तो काफी अच्छी बात बोल सकते हैं दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों। और टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग, पीएलआई स्कीम इंप्लीमेंटेड, मोर ओवर दोस्तों की मेक इन इंडिया इज फोकसिंग, तो ये स्टॉक के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। बाकी दोस्तों भारतीय एयरटेल है, रिलायंस जियो है, ऐसे स्टॉक भी आप फोकस में रख सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एचएफसीएल माय फ्रेंड, देन इन एंजल वन ऐप इन अ वॉच लिस्ट यू सिलेक्ट द स्टॉक एचएफसीएल इज देयर, भारतीय एयरटेल देयर, भारतीय एयरटेल इज देयर, एंड यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। दिस वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पस, थैंक यू वेरी मच।